सुना आप लोगों ने भी सुना सुना और देखा भी। भैया सर्वे शास्त्री जी को इन्होंने चैनल में देखा है कि हम नहीं सुधरेंगे, कह रहे हैं रात भर सीरियल को छोड़ेंगे नहीं। और क्या, एक सीरियल में आप भी पाठ करने लगे। अच्छी बात है भाई, बात करिए। आप खूब सीरियल देखें, हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्राइम पेट्रोल में एक सीन ले दो। आपने कहा कि टोका है कि आप जो गा रहे कि रातों रात जाना रातों रात आना, तो क्या सुबह के 4 बज गए? तो क्या सुबह नहीं हो गई, रात थोड़ी रह गई? अच्छा 4 बज गए थे हनुमान जी, मतलब 5-7 घंटा लगा दिया। और क्या, मतलब वो इतने तीव्रगामी थे कि गए बूटी लेके आ गए आधी रात के। अब आपका कहना कि वो 4 बजे हंसी, मतलब सुबह 4 बजे उठ के गए, सूर्य नहीं निकला था, ब्रह्म मुहूर्त से पहले लक्ष्मण चेतना में आ गए थे। और क्या, सही बात बताओ दो। ऐसे थोड़ी जाने देंगे, पैसा लिया है काम पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे थोड़ी छोड़ेंगे। काकोरी तक इनको भी लेके चले, छोड़ने जाएंगे ना हम लोग। जोड़ी सिया राम की, बात सुना करें भैया। सासी जी भैया, मेन माइक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मैंने कहा था, आप लोगों ने सुना, मैंने कहा था कि आज की दृष्टि से देखा जाए तो, मैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की दृष्टि में देखा जाए तो इस समय नेपाल की दुल्हनिया, क्योंकि जनकपुर नेपाल में है, कैलाश तब नहीं आज तिब्बत में है, गांधार तब नहीं आज जो है अफगानिस्तान में है। मैंने खुद कह दिया कि आज की दृष्टि से देखा जाए तो वो है। और क्या, समझो समझो तब लिखो तब गुनाओ। सुना करिए, ढोलक की चाटी बढ़ा, सुनने के बाद तर करिए तो अच्छा लगे। आप गीतों को सुनते नहीं है। ढोलक की चाटी थोड़ा बढ़ा दे भाई साहब। खंड गीत आया है, ज्यादा तर्क नहीं, सुबह हो गई है, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ज्यादा इसने सुनिए। अरे सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, टोपी के बारे में भी आपने कही डाला। हाँ, अरे न सबर हो तो आप भी ले लो, चलो दे दे। इन्होंने पहनाया नहीं, हम लोग पहनाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी ब्रो। हाँ, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी दगा दे के चले गए। बढ़िया बात, घर की मुर्गी दाल बराबर। आज यही हो रहा है इनके साथ, माटा पूत पड़ोसी बराबर। ये आप बीती बता रहे हैं साहब, होती ना उंगली 5 बराबर, अंधे को दिन रात बराबर, अंधे को भी और नजर में सब है बराबर। हाँ, लड़का हो जाए आप बराबर, वही का समझो बाप बराबर। जवाब सुने आपने, सुनो जवाब।
तबियत अरे करिया अक्षर भैंस बराबर ये भी कहावत है, आपने कहावतों का प्रयोग किया है, करिया अक्षर भैंस बराबर झूठ नहीं है सांच बराबर और लड़का अरे लड़का लड़ावे बात बराबर धरो वही का कंटा जी पिता तुलसी राजेंद्र सिंह जी की ओर से पुनः रात्रि भर आशीर्वाद दिया है, फिर आपने एक का आशीर्वाद दिया है, से नमन कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी संत गुरुजन की यही है पुकार, सभी संत गुरुजन की यही है पुकार, अरे मूरख का हीरा कांच बराबर ऐसे लाओ कोई बात, अरे मूर्ख का हीरा कांच बराबर साचे दरबार की। एक गीत आपको और आया है, वो भी उधार का है, रह जाए उसको भी, उसका भी जवाब सुन लीजिए। और क्या, उसके बाद जैसा आप लोग आदेश करें, कम पियो थोड़ा पियो लेकिन इनो पियो। इनो हाँ रामचंद्र भाई से उड़ा बनाओ सीखो पहले। आई भाई ना की नहीं है तो बनाएंगे क्या? पत्ते के ऊपर पत्ता लपेटा जाता है। गीत आया है कि मैं तेरे दिल में रहूं, खो जाएंगे दुनिया वालों को अब ना नजर आएंगे। मैं तेरे दिल में रहूं तू मेरे दिल में रहे, अब मैं तेरे दिल में रहूं तू मेरे दिल में रहे, आज हम तुम और सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम और सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम और सनम मिलके ये वादा करें। आपकी पंक्ति कर रही है हमेशा रुक गया मैं भी पगले तुम भी रुक जाओ ने, अच्छा रुक गया मैं भी पगले तुम भी रुक जाओ ना, और क्या ये क्यों कह दिया कि झुक गए हम भी पगले तुम भी झुक गए, रुक गया मैं भी पगले तुम भी रुक जाओ ना, हमेशा तन के खड़े हो आप तो झुक जाओ ना, विलोम शब्द लगाया है तन के खड़े हो झुक जाओ ना, जिसका चलना जरूरी है तो रुकना जरूरी है, हंसना जरूरी है तो रोना जरूरी है, पाना है तो खोना है, जवाब सुनिए बहुत कुल लगा दिया। इस बात को नारद जी जब कह चुके
तो रत्नाकर ने कहा, क्या रत्नाकर ने कहा के लगे कहने रत्नाकर अपने जोड़ कर लगे कहने रत्नाकर दोनों कर अपने जोड़ कर राह ऐसी बता दो तुम जाऊं मैं भी भौसे तल कहा आपने हमें सुझाव दिया मुख मोड़ लिया चले। मैंने विषय विकारों से दुष्कर्मों से लूटपाट चोरी चकारी से मुख मोड़ लिया मैंने मुख मोड़ लिया तुम मुख मोड़ जाओ ना मैंने मुख मोड़ लिया और कहा मुख मोड़ जाओ ना और कहा मैंने सब छोड़ दिया तुम छोड़ जाओ ना मैंने सब छोड़ दिया अब तुम छोड़ के चले जाओगे तो मैं तो डूब जाऊंगा कम से कम कुछ उपदेश देके जाओ वो शिक्षा देके वो ज्ञान देके जाओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए और क्या मैंने सब छोड़ दिया मुझे छोड़ जाओ अरे प्रभु आपने कह दिया मैंने मान लिया मैं जानता हूँ आपने कह दिया जिसका वो थान है अगर जिसका उत्थान है अगर तो उसका पतन भी होगा उत्थान पता जैसे आपने लगा रोना जाग रोना हंसना पाना खोना जागना सोना सुने जिसका उत्थान है अगर तो उसका पतन भी होगा ये मान लिया मैंने और कहा जिसका शुभारंभ है तो समापन भी और जिसका आगमन है तो उसका गमन भी होगा जिसका जन्म है अगर तो उसका मरण भी होगा तो सबने दिल तोड़ दिया अरे मेरे परिवार के लोगों ने कह दिया कि मैं तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हूँ तो सबने तो दिल तोड़ दिया सबने दिल तोड़ दिया तुम दिल तोड़ जाओ ना सबने मुख मोड़ लिया मैंने मुख मोड़ लिया तुम मुख मोड़ जाओ ना और कहा और मैंने सब छोड़ दिया तुम छोड़ जाओ और कहा कि प्रभु अगर जो पहता है
जो बह रहा है जैसे मैं बह रहा था। अगर जो बहता है तो ठहरना भी जरूरी है, बिखर गया जो है तो संवरना भी जरूरी है। संवरना भी जरूरी है, संवरना भी जरूरी है। अरे मैं तो बिखर गया था, आपने संवारा तो संवार दीजिए। बिखर गया है जो संवरना भी जरूरी है। और कहा कहा कि जो मैंने दुष्कर्म को छोड़ दिया है तो अब उसकी तरफ मैं मुड़ना नहीं चाहता। तो नारद ने कहा कि राम राम कहो, तो जबान टूट नहीं रही थी क्योंकि जुबान से कभी राम राम नहीं कहा। मार काट लूट पाट किया तो कहा मैं मारा, मैंने मारा ही है सबको, तो कहा मरा मरा कहो, तो मरा मरा कहा तो राम राम आ गया। उसे कहना पड़ा मैंने मुख मोड़ लिया तुम मुख मोड़ जाओ ना, मैंने सब छोड़ दिया तुम छोड़ जाओ ना, मैंने सब छोड़ दिया तुम छोड़ जाओ ना, मैंने सब छोड़ दिया तुम छोड़ जाओ ना। आप अजमत नगर से बता रहे हैं, ढोलक भैया आतुर से, आप करजन से हैं, आपकी ओर से भैया जी की ओर से और 150 का आशीर्वाद में हृदय से धन्यवाद है। अब यहाँ से जवाबी का चक्र खत्म हो रहा है, अपने अपने गीत गाए जाएंगे। हमारे सुभाष भैया, अजीत भैया हैं, उनकी फरमाइश है जवाब से हटकर है, उसका जवाब नहीं देना आपको। गीत सुने आप लोग, क्योंकि भोलेनाथ का मंदिर है। अरे रहने दीजिए। नहीं, इनका कार्यक्रम दिन में लगा हुआ है, इनका कार्यक्रम दिन में आपके बगले में लगा है, तो आइए जवाबी, क्योंकि कुछ एक दो गीत हम भी बढ़िया सुना दें, ये भी सुना देंगे। गीत सुने आप लोग, एक गीत बजा। अच्छा अच्छा, फिल्मी टुकड़ा कह रहा है क्या? अंग अंग तेरा रंग रचा के ऐसा करूं सिंगार के जब जब झांझर झनकाऊं मैं तो खन के मन के तार। विजय भैया इसको जरूर डालना। मुझे नौलखा मंगा दे रे वो सैया दीवाने, मुझे नौलखा मंगा दे रे वो सैया दीवाने, मुझे नौलखा मंगा दे रे वो सैया दीवाने। भैया की फरमाइश है, अब आपके भैया जो कोरस वाले रामचंद्र भैया या सामय से कह रहे हैं कि सुनाना सुबह जरूर, तो फरमाइश में सुना रहे हैं सर। आप पैसा ये भी देंगे। मुझे नौलखा मंगा दे रे वो सैया दीवाने, माथे पे झूमर कानों में झुमका पाओ में पाए लिया हाथों में हो कंगना, मुझे नौलखा मंगा दे रे वो सैया दीवाने, मुझे नौलखा मंगा दे रे वो सैया। और तुझे मैं तुझे सीने से लगा लूंगी वो सैया दीवाने, तुझे सीने से लगा लूंगी वो सैया दीवाने, तुझे सीने से लगा लूंगी वो सैया दीवाने। चाचा जी,
आप सबके सामने मैं एक टेलीविजन रख रहा हूँ, दो टेलीविजन, एक उधर मेज पर है, एक इधर मेज पे है, मतलब सूक्ष्म रूप से आप लोग अपने दिव्य दृष्टि से देखना। सम्मानित श्री बाबूलाल भैया, आप ये भागुखेड़ा से पधारे हैं, आपके उसे 51 पंड मुद्रा है। सम्मान्य श्री रामचंद्र, आप भी भागुखेड़ा से पधारे हैं, आपके उसे 51 पंड मुद्रा है। हृदय से भैया को धन्यवाद है। कहना है क्या उधर जो भैया जी के सासी भैया के मेज पे जो टीवी रखी है उसमें फिल्म चल रही है शराबी, शराबी अमिताभ बच्चन है उसमें, उसमें जया पर्दा कर रहे हैं अमिताभ बच्चन से, मुझे नौलखा मंगा दे रहे उस सैया दीवाने। हाँ, एक जया पर्दा पीछे लेटी है। और हमारे मेज पे इस पे हमारे टेबल पे टीवी रखी है, उसमें ओम नमः शिवाय धारावाहिक दिखेंगे आप लोग। माता पार्वती भोलेनाथ से कह रही है क्या, और भोलेनाथ का दरबार है। एक दिन माता भवानी ने ब्रह्मा का वैभव देखा, विष्णु का वैभव देखा, इंद्र का वैभव देखा, फिर अपनी ओर देखा कि खुले आसमान में रहते हैं। कहा प्रभु ब्रह्मा का वैभव देखिए, विष्णु का वैभव देखिए, इंद्र का देखिए, सभी देवताओं का देखिए, फिर अपनी ओर देखें क्या है आपके पास, क्या है? खुले आसमान में रहते हो, रहने के लिए झोपड़ा भी नहीं है। तो कहा कि देख देख के सकुचाई में यह सुंदर संसार, कि सबके पास है महल तुम्हेले अपना ना घर बार। तो गाय भोलेनाथ मैं चाहती हूँ कि मेरे मेरी इच्छा के अनुसार एक सोने का ऐसा भव्य महल हो, ऐसा सोने का ऐसा भव्य महल बनवाइए जो किसी देवता के पास ना हो। भवानी ने कहा कि महल सोने का बनवा दीजिए वो भोले भंडारी। महल सोने का बनवा दीजे ओ भोले भंडारी, महल सोने का बनवा दीजे ओ भोले भंडारी, वो अविनाशी छोड़ दो काशी। आप काशी में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, लोग आपको कैलाशवासी कहते हैं, अब इस नाम से हमको चिढ़ हो गई है। क्यों? क्योंकि आपके पास महल नहीं है, आपकी प्रशंसा में कोई आपको कैलाशवासी नहीं कह रहा, क्योंकि आप घर विहीन हैं, इसलिए आपको लोग कैलाशवासी कहते हैं। तो कहा वो अविनाशी छोड़ दो काशी, क्यों कैलाशी कहलाते हो सजना, महल सोने का बनवा दीजे वो भोले भंडारी, सोने का बनवा दीजे वो भोले भंडारी, सोने का बनवा दीजे वो भोले भंडारी। अब एक नजर उधर देखें, उधर टीवी में, उधर वाली टीवी में जया पर्दा कर रही है क्या? बस टेस्ट के लिए थोड़ा सा, चाचा जी टेस्ट के लिए बदल रहा हूँ। जया पर्दा ने कहा सलमा सितारों की झिलमिल चुनरिया, निखिल पहन के तो फिसले नजरिया, की लाली मंगा दे बलमा, सूरज से लाली मंगा दे बलमा। पिक्चर ज्यादा नहीं देखना, बाकी इधर देखना। ओम नमः शिवाय धारावाहिक। भवानी ने कहा कि सजना मेरे मैं हूँ तुम्हारी सजनिया, सजना मेरे मैं हूँ तुम्हारी सजनिया, सर पे चढ़ी बैठी गंगा सौतनिया, तो सर से हटा दो बलमा, हटा दो सर से हटा दो बलमा। और भैया ने कहा कि रोज लड़त है घरवा के परनिया, रोज लड़त है घरवा के परनिया, कासे कहूँ अपने दिल की कहानियाँ, तो झगड़ा मिटा दो बलमा, ओ बलमा झगड़ा मिटा दो बलमा। और तुम्हें मैं, तुम्हें मैं, तुम्हें सर्पों से सजा दूंगी वो भोले भंडारी, सर्पों से सजा दूंगी वो भोले भंडारी, सर्पों से सजा दूंगी वो भोले भंडारी। अब एक
लाइन चाचा जी एक नजर तो देखिए। जयप्रदा ने कहा कि मैं तो सारी उमरिया बिताए बैठी और सजना तेरी दो अखियों की शरारत में और मैं तो जियरा के रोग लगाए बैठी और बल माखो के तेरी मोहब्बत में माना रे माना रे अब मैं माना होता है क्या सैया दिल का लगाना रूठे या जग चाहे रूठे जमाना जाना है मुझको सजन घर है जाना ओ जैसे गजरा हंसी हो जैसे गजरा हंसी हो जैसे गजरा हंसी जैसे आँखियों में तुम मुस्कुराना हो। ये बात रही उधर इधर माता पार्वती कह रही है कि मैं तो लड़कन से लड़के आधाए बैठी और बल माँ वो कार्तिके और गजानन से और मैं तो जियरा के रोग लगाए बैठी और बल माँ अपने अपने इन वाहन से मैं अपने अपने वाहन से परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि आपका वाहन बैल है और मेरा वाहन शेर है। एक जगह नहीं रहना चाहिए बैल और शेर को। किसी दिन विवाद हो गया मेरे शेर ने आपके बैल को खा लिया तो आप पैदल पैदल जाएंगे। आपके गले में सर्पों की माला तो गणेश का वाहन मूसक है। कहीं मूसक को धमक दिया आपके गले वाले सांप ने तो गणेश जी पैदल हो जाएंगे। कार्तिक का वाहन मोर है। कहीं मोर ने सांप को खा लिया तो आपका गला सुना हो जाएगा। और क्या मेरा कहना है मोर कहे सर्प आहार मेरा मोर कहे सर्प आहार मेरा सर्प कहे चूहे पे अधिकार मेरा गणपति रोज होते ही अंधेरा चंदा को मांगे ये खिलौना है मेरा हो दिल में रख मैल को हो दिल में रख मैल को हो दिल में रख मैल को आपके बैल को दिल में रख मैल को आपके बैल को शेर कहता है आहार मेरा। मेरा शेर आपके बैल के प्रति दिल में मैल रखता है। क्योंकि जब कोई काम कराना होता है तो तमाम बहाने उसके लिए होने चाहिए। तो कहा के दिल में रख मैल को हो दिल में रख मैल को हो दिल में रख मैल को आपके बैल को शेर कहता है आहार मेरा स्वामी ये झगड़ा कहीं बढ़ न जाए बात ये मेरी समझ में न आए ओ जानी अपनी गवा दूंगी वो बोले भंडारी। ये बड़ा हथियार है नारियों का। जरा सी बात हुई तो ये नारियों का स्वभाव है कि जान अपनी गवा दूंगी। भवानी भी वही कहा कि जान अपनी गवा दूंगी बोले भंडारी। क्यों? क्योंकि सोने का महल होना चाहिए। बाद में भवानी को याद आया कि मैं तो कई बार मर चुकी हूं एक बार और सही क्या फर्क पड़ेगा इनके ऊपर। तो अपनी बात को पलट लिया। जैसे जब किसी की कमजोर नब्ज पकड़ ली जाती है किसी की कमजोर नब्ज जब पकड़ ली जाती है तो आदमी उसका भरपूर फायदा उठाता है। और जब कह दिया पहले तो कहा मैं जान अपनी गवा दूंगी बोले भंडारी बाद में होश आया तो कहा कि तुम्हें मैं भांग पीस के पिला दूंगी वो बोले क्योंकि जानते थे कि भगवान जो है वो भंगेड़ी है भांग पीते हैं। इससे पहले कहते थे कि पार्वती थोड़ी सी भांग घोटी है तो कहते थे कि हमसे भागिया ना पिसाइए गणेश के बप्पा हम नहीं हर जा पानी। लेकिन
जनाब भाई सोने का महल होना चाहिए। जैसे उधर जयपर्दा ने कहा, कहा क्या कि तेरे कदमों में छलका दूंगी मैं सारे मैखाने, क्योंकि मुझे मुझे नौलखा मंगा दे रे वो सैया दीवाने। अब ये बात जब जयपर्दा ने कहा तो अमिताभ बच्चन से रहा नहीं गया, बोल पड़े क्या, अब अमिताभ बच्चन आने जा रहे हैं। बिल्कुल सेम टू सेम है तेरे ना लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, यही बात भगवान भोलेनाथ के दिल में लग गई। तो कहा पार्वती मुझे नशेड़ी समझती हो क्या, कि लोग कहते हैं कि मैं नशेड़ी हूँ और तुमने भी साथ रह के देख लिया। लोग कहते हैं कि मैं नशेड़ी हूँ, लेकिन भवानी मुझे भांग का नशा नहीं है, मुझे गांजे का नशा नहीं है, मुझे अफीम का नशा नहीं है। भवानी ने कहा पीते तो थे, हमने कई बार भांग पीस के दिया है, आज बड़े पंडित बन रहे हो। अच्छा, कहा नहीं मुझे भांग का नशा नहीं है, मैं बताऊं मैं कैसा नशा करता हूँ। चाचा जी सुने कि मुझे तो रहता है प्रभु राम की भक्ति का नशा, और मुझे तो रहता है प्रभु राम की भक्ति का नशा, और तुम्हें इन्हें या सभी को चढ़ा शक्ति का नशा। नशे को देख के तुम पे भी तो चढ़ता है नशा, और तुम्हारी बातों से अक्सर ही ये भिड़ता है नशा, तुम्हारी बातों से अक्सर ही ये भिड़ता है नशा, कि नशे में आप नहीं हैं मुझे बताओ जरा। अरे तुम्हें भी तो नशा चढ़ा है सोने के महल का, कि नशे में आप नहीं हैं मुझे बताओ जरा, और किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा, के ब्रह्मा को वेद का विष्णु को विद्वता का नशा, हरा को धैर्य का बादल को अखंडता का नशा, हरा को धैर्य का बादल को अखंडता का नशा, और नशे में होती ना दुनिया तो ये गिरता बादल, और धारा न होती यहाँ होता मेरा जल ही जल। भगवान अंत में मान गए, कहा ओ महल सोने का बनवा दूंगा वो मेरी प्रार्थी, सोने का बनवा दूंगा वो मेरी प्रार्थी, अरे महल सोने का बनवा दूंगा वो मेरी प्रार्थी। शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की।